हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जिम बडीज एंड फैमिली ब्लॉग। अपने चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। एक नए ब्लॉग के साथ रेडी हैं हम। सुबह से आज कुछ भी शूट नहीं हो पाया और अब हमने जो है वर्कआउट के लिए निकले हैं, जब तो थोड़ा शूट कर रहे हैं। सुबह से मैं अपने ऑफिस के वर्क में बिजी था, शैनू जो है अपना केस के लिए थोड़ा सा निकली हुई थी तो वहाँ बिजी थी, तो ऑफिस से फ्री होके मैं इनको पिक करके आ गया हूँ। भाई साहब मेरा तो जिम चल ही नहीं रहा है। और अब वर्कआउट के लिए हम आ गए हैं, विटामिन डी को लेते हुए। अब हम नहीं लेना है, बहुत तेज विटामिन डी मिल रहा है, एकदम रिचार्ज हो जाएगा विटामिन डी फुल। तो धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत ज्यादा है, पहुँच गए बस हम लोग क्लब। ये देखो तो चलते हैं अब हम और वर्कआउट के बाद फिर एक बार आप लोग से मिलते हैं, तो कुछ और बातें होंगी, कुछ और मज़ेदार चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, वर्कआउट करके हम आ गए हैं बाहर क्लब से और लगभग 45 मिनट्स का वर्कआउट किया हमने प्रॉपर। और एक चीज़ है कि हमारा तो वेट घट गया है, जब हम वेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वेट घट जाता है, जब घटाने की कोशिश करते हैं तो बढ़ जाता है। ये इसी में जो है हमारा वर्कआउट चल रहा है। धूप कम हो गई है लेकिन हवा में अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी, लू बरकरार। बच्चे अब अपना थोड़ी बहुत देर खेलेंगे नीचे और हम चले बस अब ऊपर, फटाफट रेडी होंगे और निकल लेंगे क्लिनिक। तो आ गए हैं आज आशु भैया यहाँ पे, क्योंकि अयान की तो अपनी टीम है फुटबॉल उटबॉल की, इनके फ्रेंड्स का यही हाल है। तो ये रहे, ये खेल रहे हैं। हाँ आ जाओ आ जाओ, इस दौरान बच्चे भी छुट्टियाँ भी रहेंगी 10 दिन की और वो इधर उधर। हाँ किधर गए, देश पे इतना ना सुन। कितना झूठा है ये, कितना झूठा बाबा है मेरा। इस पे कसपन की से देश पे की कसपन की से मत करिए मत करिए। आज ये सारे झूले झूल लेंगे, ये देखिए पापा के साथ। चले फोन कर लो आप। तो यहाँ बन गई है भिंडी की सब्जी, मूंग की दाल, इसमें फेवरेट दाल, इसमें देसी घी, डॉक्टर साहब का दही चीनी, आशु का दही चीनी, मेरा प्लेन खीरा नींबू वाला, ये इनकी प्लेट है, मेरी दो रोटी है। फ्रेंड्स ये जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। और वैसे भी शैनू जो इसमें एक हींग का जबरदस्त एक फ्लेवर आता है बढ़िया वाला, जीरे के साथ इसको कर देती, क्या करें तड़का लगा देती, जबरदस्त फ्लेवर आता है, मेरी फेवरेट है। देखिए खा के दिखाइए, वेरी गुड। थोड़ी सी रोटी पापा से और लीजिए, मजेदार रोटी लीजिए, नहीं थोड़ी सी खा के दिखाइए रोटी फ्रेंड्स को। अयान भाई का ना उल्टा दिमाग देखिए, जब से उस रूम में ये बैठे थे मैंने इनसे बोला कि आप टी शर्ट उतार लो या वो कर लो, तो मुझे मम्मी ठीक लग रहा है, और एसी में ये टी शर्ट उतार के बैठे हैं। पापा से बात नहीं हो रही थी ना उस वक्त, तुमने जो बोला मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। चलिए खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो फैल गए हैं टॉयज, और टॉयज फैलाने वाला है ये, बताओ कौन है ये बच्चा। मैं हूँ अक्षत।
आशु, सबको ना आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ बातें बताओगे? हाँ बोलो। मैं बताऊंगा कुछ। क्या आपको, बताओगे? आपको बस एक ही चीज बताऊंगा, उस दिन 40 को पापा बहुत नहीं 39 वाले लोग को पापा बहुत ज्यादा बुरी तरह हार गए थे। एक बात के पीछे पड़ जाता है 39 वाले ब्लॉग। कुछ और भी अच्छी बात बताओ। ये क्या बना रहे, टावर? हाँ। कौन सा टावर है? द टावर ऐसा लग रहा है किसी मूवी का नाम ले रहा है। द टावर नहीं, द टावर एक ज्योमेट्री डैश का गेम है। ज्योमेट्री डैश का? हाँ। वेरी गुड, गेम की बातें करवा लो इससे। तो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे और आज एक बहुत अच्छी चीज करी है इन भाई साहब ने। ये अपना खेल रहे थे, पूरे बेड पे सिर्फ टॉयज ही टॉयज थे। और मैं और डॉक्टर साहब जब इवनिंग की चाय यहाँ पी रहे थे, तब जैसे ही मैंने देखा, सडनली इन्होंने देखा मैंने इनको, तो ये सारे टॉयज इन्होंने रख दिए। और पहली बार आप मेरे ब्लॉग में ये अलमीरा बंद देख रहे होंगे, क्योंकि आशु ने ये किया है और इसके लिए आज इनको एक रिवॉर्ड भी मिलेगा, प्राइज भी मिलेगा। और वो क्या है? कलर बुक। इन्होंने कहा मुझे कलर बुक लाके देखिए। देखिए उल्टी उल्टी हरकतें करते हैं ये। अब वो आयान भाई खेल के आए हैं, आते एसी ऑन हो गया है। बस सब काज कैसे हो? आप बोल दीजिए। माइनक्राफ्ट क्या होता है? इतना माइनक्राफ्ट क्यों खेलना है? माइनक्राफ्ट क्योंकि सबसे बेस्ट गेम इंडिया का है। असर, कोई अच्छी सी एक बात बता दीजिए। आज 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 आपको पता, मैंने अपने फोन में माइनक्राफ्ट डाउनलोड किया। वो माइनक्राफ्ट जो था ना, उससे पहले समझा, फिर मैंने उसमें देखो एक बुल्स को टे वो बुल्स को। आप एक जगह बैठ के नहीं बात बताते तो फिर समझ में नहीं। नहीं, मैंने दो को टेम किया। बुल्स होता है? हाँ, मैंने बुल्स को टेम किया, उससे नहीं, उससे तो बोन खाई थी। अब मैंने बुल्स टेम किया, फिर मैंने समझा, फिर मैंने बनाया एक स्टोन ब्रिज फॉर प्लांट्स का एक घर, उसके अंदर बस मेरा बेड, ग्लास पिन लगा दी थी मैंने। ग्लास पिन भी और डायमंड तो होती मेरे पास। आप फ्रेंड्स को बता रहे हैं बट आप कैमरे में देख रहे नहीं है। ग्लास पिन मतलब ऐसे होते हैं। अगर वो ग्लास पिन नहीं होता उसको ग्लास पेन बोलते। हाँ, ग्लास पेन लगा है, ये जो उसमें लगा है ना, जो हाँ आप समझे। फिर मेरे को बस मैंने मैं तो सोच रहा था यही पे फिर मैंने देखो स्टोन ब्रिक्स और प्लांट्स का घर बनाया था, उतना अच्छा लगा। उसके बाद मेरा बेड था, उसमें मैं सोता था। तो कुछ क्राफ्ट नहीं करते थे। अच्छा, आज खामाई का फोन आया था क्या? हाँ। ये देखिए, तो खामाई क्या बता रही थी, नैनीताल में क्या हुआ है कल? नैनीताल पे ओले गिरे। आप सारी बातें तो उधर मुँह करके कर रहे हैं, फिर फ्रेंड्स आपको कैसे देखेंगे? ओले गिरे। ये देखो केकड़ा कंट आशी नो क्वेश्चन की तरफ किए कैमरा, अभी हिलेगा देखिए। तो फ्रेंड्स, ये मम्मी अभी जो है खाना खिलाते हुए आशु को, और अभी आशु कुछ बढ़िया सा कमेंट कर रहा था, और ये आयानु खाते हुए अपना फेवरेट फूड राजमा राइस। फेवरेट है तुम्हारा? दाल मखनी, राजमा पराठा और छोले भटूरे। और आशु का क्या फेवरेट है? राजमा राइस, पनीर पराठा, राजमा, दाल मखनी। आज मैंने एक चीज दिखाना भूल गई थी,
वो ये पनीर का पराठा कैसे खाते हैं, जैसे जैसे पनीर का पराठा बना के दिया, थप्पड़ भी खाए थे सुबह उसके लिए, ऊपर का पूरा पपड़ी जो होती है वो खा के, जितना व्हाइट व्हाइट पनीर था सब नोच नोच के खा के, फिर मैंने कहा अब खा सूखा पराठा, तो फिर इन्होंने सूखा पराठा खाया। हाँ शिव, तुम तो पनीर का पराठा नहीं खाते हो। नाइस नाइस, कुछ अच्छा सा बता दो पापा को एक बार। बता देता हूँ क्या, जब देख गेम की बात करता रहेगा, फोन की टीवी की बात करेगा, कुछ और अच्छा बता। ये मेरा गुन्नू है, ऐसे बोल। ये मेरा गुन्नू है, गुन्नू हो गया है, मम्मा का गुन्नू है ये। आज आपको मैंने कौन सी वाली भाई की फोटो दिखाई थी? जब भाई छोटे थे इतने प्यारे लगते थे। अब नहीं लगते प्यारे, लगते अब तो प्यारे लगते हैं। फूड होता है ना तो बोलते नहीं है। वेरी गुड, कैसे बनाना। तो फ्रेंड्स हम अब कर रहे हैं डिनर, और डिनर में है ये देखिए राजमा राइस, और ये सुबह जो करेले की भुजिया बनाई थी वो, और राइस मुझे हाथ से खाना पसंद है, आई लव इट, और बड़ा ही यमी आज बना है फूड एंड आई एम लविंग इट। गए हैं हम असद को साइकिल चलवाने, उनकी न्यू साइकिल, वो अयान ने उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया कि बड़ी है तो वो थोड़ा घबरा रहे हैं, वरना वो साइकिल बहुत अच्छी चलाते हैं, पर देखें वो सुपर पावर लगा दी। चलो लगा के दिखाओ, हाँ तो फिर कितने इयर्स वाले बच्चों की? तो आपको कह तो रहे थे, आप तो 5 इयर्स के हो गए हैं, 7 इयर्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अरे आप आओ ना, अपन टॉप है, कोई बात नहीं, अपन टॉप पे तो भगाओ, मजा आता। पीछे नहीं देखने चलाते हुए, हाँ बस भागो। अब